वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के एन वर्कशॉप पर। दोस्तों ये मेरे पास में होंडा एक्टिवा 6G BS6 स्कूटर आई हुई है और कस्टमर कल की कंडीशन इसमें ये थी कि पेट्रोल इसमें ख़त्म हो गया था और कस्टमर वापस से इसमें पेट्रोल डाले और उसके बाद स्कूटी स्टार्ट किया तो दोबारा स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। रात भर ये स्कूटी खड़ी रही और सुबह हमारे पास में अभी आई हुई है तो मैं इसे डायग्नोस कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस स्कूटर में फॉल्ट दिखा दूं तो इसका इग्निशन हम ऑन करेंगे तो यहाँ चेक इंजन लाइट ऑन है और ज़्यादा कुछ ये स्कूटर चली नहीं है और मैं इसमें लगाऊंगा ब्रेक और हम लगाएंगे यहाँ पे स्विच दबाएंगे स्टार्टर स्विच तो ये काम नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ इसका किक लगा कर स्टार्ट करके देखेंगे तो इग्निशन ऑन है इसका और किक लगाएं देखते हैं किक से स्टार्ट होती है नहीं तो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका साइड स्टैंड सेंसर चेक करना होगा तो इसका साइड स्टैंड सेंसर यहाँ पे है, काफ़ी बार ये दिक्कत करता है। ऐसे हम पहले डायरेक्ट करेंगे तो ये कपलर मैं निकालता हूँ और ये कपलर बाहर आया। ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वायरिंग, ये ग्रीन प्लस वाइट है और दूसरा ये ग्रीन है तो ये वायर दो वायर हैं इसमें। ऐसे आपस में आपको इस तरीके से वायर का टुकड़ा लेना है और इसके थ्रू यहाँ पे इसे डायरेक्ट इस तरीके से आपको ये कर देना है। वे डायरेक्ट हो गया ये स्विच, कई बार होता है ये स्विच ख़राब होता हमें पता नहीं चलता तो देखते हैं वापस से हम स्टार्ट करके एक बार इग्निशन इसका ऑफ करेंगे ऑन करेंगे। चेक इंजन लाइट भी इसका शो कर रहा है और इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये वाला ब्रेक दबाएं तो स्टार्ट नहीं हो रही है स्कूटी और इसमें फ्यूल भी पर्याप्त है, हॉर्न भी इसका बज रहा है, सारा कुछ इसमें इंडिकेटर भी शो कर रहा है और हमने तो दोस्त इसका चेक इंजन लाइट जल रहा है। इस कंडीशन में हम इसका यहाँ पे बैटरी वाला हिस्सा ओपन करेंगे तो इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे पहले स्क्रू हुआ करते थे तो यहाँ पे एक स्क्रू ये है और दूसरा यहाँ पे है तो इसे ओपन होगा, ये ओपन करते हैं इसे और ये पट्टी भी ओपन करनी होगी, दूसरा ये वाला पट्टी भी ओपन करना होगा तो ये इसे क्लीन करके अच्छा से सारा कुछ और इसे ओपन करते हैं दो स्क्रू। खोलो ओपन करो, यहाँ पे ये वाला अंदर, ये पीछे हमारा ये गार्ड जो लगा है इसी का है, ये ओपन होगा उसके बाद ये और एक स्क्रू यहाँ पे है। देखते हैं बाइक स्कूटर को डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा कुछ चली भी नहीं है ये और दिक्कत इसमें आई हुई है वो भी फ्यूल डालने के बाद इसमें दिक्कत आई है। इसे थोड़ा इधर पे ऐसा करेंगे, दूसरा वो पट्टी भी यहाँ से निकालें ओपन करें, वहाँ से पैच का पलटा लो और इधर में ये कवर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बैटरी है, दूसरा चीज़ इससे डायग्नोस करने के लिए इसका डेटा लिंक कनेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, और ये स्टार्टर रिले है, चार्जर रिले है और बैटरी डला हुआ है। बैटरी इसमें बैटरी तो बहुत गलत ही कंपनी इसमें फिटिंग की है क्योंकि ये जो भी इसके अंदर एसिड होगा वो ऊपर रहेगा। सूक्ष्म बैटरी तो है पर बैटरी सीधा होना चाहिए था, पता नहीं कंपनी अपना अपना वो है रीज़न है जो भी है। तो हम ऐसे चेक करते हैं, पहले डायग्नोस करेंगे
क्या इसमें कौन सा फॉल्ट आ रहा है। तो ये क्लिप यहाँ से हम निकालेंगे इसका कपलर का, और ये स्कैनर लगाते हैं इसमें। ये स्कैनर इग्निशन इसका ऑन करें। और यहाँ पे सीधा डायग्नोस ऐसे करते हैं तो क्या फॉल्ट आता है। यहाँ पे चार फॉल्ट आ रहा है इसमें, चार फॉल्ट आ रहा है इसमें। फिर से एंटर करेंगे, करंट फॉल्ट में जाएंगे। यहाँ पे पहला इंजेक्टर का आया P0201, दूसरा P0351 इग्निशन कॉइल का, पर्ज वाल्व का P0443, चौथा फॉल्ट आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का 0511। तो ऐसे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसे इरेज करते हैं, बैक होंगे। इरेज करके देखते हैं क्या स्कूटर स्टार्ट होती है। स्कूटी मेरे पास बहुत कम आती है इसलिए मैं बार बार बाइक बोल रहा हूँ। इरेज कोड में जाएंगे, यहाँ पे इरेज कर देंगे, फिर से ऐसे ओके कर देंगे। तो देखते हैं कुछ टाइम लगेगा इसमें। ये हमारा हो गया, अब हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे। इग्निशन एक बार ऑफ करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे देखा मैं ब्रेक लगाया हूँ और ये स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं किनारे। स्कैनर में भी कुछ खास दिखा नहीं रहा है। दूसरा चीज़ ऐसे हम चेक करेंगे फ्यूज बॉक्स चेक करेंगे कि कोई सा फ्यूज और रिले। तो पहले हम फ्यूज चेक करते हैं। तो साइड आएंगे हम, यहाँ पे और हम यहाँ पे फ्यूज चेक करेंगे। तो ये फ्यूज चेक करने के लिए मेरे पास स्पेशल टेस्टर है। ऐसे हम देंगे ग्राउंड देंगे, तो यहाँ पे मैं ग्राउंड दे रहा हूँ। बैटरी का टर्मिनल है यहाँ पे, और हम यहाँ चेक करेंगे। तो ये हमारा लैंप जल रहा है। यहाँ पे चेक ऐसा करना पड़ता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट में लगाए हम, फिर से दोबारा इस पॉइंट में लगाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्टर जल रहा है। फिर से हम यहाँ दूसरा फ्यूज चेक करेंगे, ये भी जल रहा है। यहाँ पे ऐसे भी चेक करेंगे, ये भी जल रहा है और ये भी जल रहा है। दूसरा ये भी ऑन है, ये वाला भी पॉइंट ऑन है। यहाँ ये वाला पॉइंट नहीं बता रहा है, ये वाला पॉइंट बता रहा, मतलब यहाँ से सप्लाई बाहर हमारा जा नहीं रहा, यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा, मतलब ये वाला फ्यूज ये ख़राब है। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया है ये स्पेशल क्लिप इसके अंदर, तो यहाँ इसका क्लिप निकालना है। ये आप घर पर भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेयर में फ्यूज दिया गया है यहाँ पे दो, तो हमें यहाँ पे 7.5 वाला फ्यूज ओपन करना है। और इसे मैं करता हूँ किनारे, और पहले हम ये वाला फ्यूज ओपन करेंगे। ये हमारा जला वाला फ्यूज है, देखते हैं ये जला है या नहीं।
तो ये जल गया है, ये बीच से यहाँ से जल गया है, और यही चीज़ हमें टेस्टर लैंप में पता चला है। ये तो हम ऐसे करते हैं साइड में और लगाते हैं ये नया वाला फ्यूज, ठीक है, नया फ्यूज डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से और करते हैं स्कूटर को स्टार्ट। इग्निशन एक बार हम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो ये स्टार्ट होगी। इस स्कूटी में ये पहला नंबर फ्यूज जल जाने की वजह से ना ही स्कूटी सेल्फ से स्टार्ट हो रही थी ना ही किक से स्टार्ट हो रही थी। ये फ्यूज ऐसे आप एक बार चेक ज़रूर करें, जब भी स्कूटी में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो। चेक इंजन लाइट अभी गया नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इग्निशन एक बार ऑफ, ऑन करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर से ऑफ करेंगे, फिर से ऑन करेंगे और स्कूटर को मैं करूंगा स्टार्ट। तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट जाता है या नहीं, तो ये नहीं जा रहा है चेक इंजन लाइट, ऐसे हटाते हैं और कोशिश करते हैं इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार स्टार्ट करके देखते हैं। ये कुछ समय स्कूटर कुछ टाइम चलने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो फॉल्ट आए हैं वो ECU में फॉल्ट अभी है, जा नहीं रहा ये। देखते हैं एक बार फिर से दोबारा, ECU में एरर कोड का फॉल्ट रहता है इसलिए चेक इंजन लाइट काफ़ी टाइम से जाता है। स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं जा रहा, ऐसे करते हैं ऑफ। ऑफ करने के बाद ऐसे स्कैनर लगाएं, दोबारा से हम फिर स्कैनर लगाएंगे और स्कैनर से ऐसे हटा देंगे ताकि सारा टेंशन ख़त्म। इसका कैप निकालेंगे यहाँ पे और ये स्कैनर हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हुआ और सीधा ऊपर आए ताकि हम बिल्कुल क्लियर इजी आपको दिखा सकें। चेक इंजन लाइट जल रहा है, स्कूटर मैं स्टार्ट करूँगा, स्कूटर स्टार्ट है पर चेक इंजन लाइट जा नहीं रहा, ठीक है, हम इसे करते हैं ऑफ और वापस से इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, जितने भी फॉल्ट हैं वो फिर से हमें शो करेगा क्योंकि ECU में एरर कोड का पूरा फॉल्ट है, इसमें चार फॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। ये फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पे इरेज कर देंगे सारे कोड को। तो यहाँ व्हीकल ऑफ होना चाहिए पर इग्निशन ऑन होना चाहिए, ठीक है, ओके करेंगे, कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे चेक इंजन लाइट चला गया, ठीक है। तो ऐसे हम पीछे आउट होते हैं और दोबारा से हम आपको इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। तो ये चेक इंजन लाइट ये चला गया। तो एक छोटा सा फॉल्ट था इसमें कि फ्यूज इसका जल गया था, वो भी इसलिए जला होगा क्योंकि स्कूटर में पेट्रोल ख़त्म होने के बाद कस्टमर इग्निशन को सिंगल बार एक बार आप ऑन करते हैं और डायरेक्ट इसमें सेल्फ लगाते हैं तो स्कूटर उस समय स्टार्ट नहीं होती, तो कस्टमर ये बार बार करते रहे और इसका फ्यूज जल गया। ये प्रॉब्लम आप कभी पेट्रोल स्कूटर से कम ख़त्म होता है और आप फिर से पेट्रोल डलवाते हैं तो 2 से 3 बार ऐसे इग्निशन को ऑन ऑफ आप कर लेते हैं तो उस समय आपकी स्कूटर इजी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो ये डायरेक्ट किया है ये देखो ये बंद हो गई स्कूटी, स्टार्ट करके देखें एक बार और, तो स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसे हम वापस से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे
और इसका कवर यहाँ लगा देंगे। अब इसे इग्निशन ऑफ करके ऑन करके स्टार्ट करें, ब्रेक लगाकर। कपलर शायद दिक्कत कर रहा है, अरे ये हटाना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया था। इग्निशन स्टार्ट करें, स्टार्ट हो गई। दूसरा चीज़, इसका हम साइड स्टैंड लगाएंगे और ये स्कूटर बंद हो जाता है, ये बंद हो गया। अब इसका ना कि इसका सेल्फ काम करेगा ना ही कुछ काम करेगा ये, जैसे जब तक हम अंदर नहीं करेंगे साइड स्टैंड तब तक स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी। और ऐसे आपको बाईपास करना है तो उस समय आपको एक छोटा सा वायर का क्लिप लेना है, चेक करते समय आपको ये कपलर यहाँ से निकालना है और इसे डायरेक्ट कर लेना है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।